तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल GPDP प्लान बनाने में GPFT यानी कि ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेटर टीम का अहम योगदान रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस GPFT टीम में कौन कौन से मेंबर रहना आवश्यक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस साल के GPDP प्लान को बनाने में। तो और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाया था कि GPDP प्लान बनाने का सबसे पहला और अहम स्टेप है GPFT यानी कि ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम। इस टीम को तैयार करना पहला स्टेप है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए इस टीम में कौन कौन मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम GPPFT। ये टीम काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे GPDP के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसीड्योर को ये हेल्प करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टीम है जिसका चेयरपर्सन होंगे प्रधान, सरपंच और प्रेसिडेंट ऑफ द GP। तो आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे एनेक्सर में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन सा मेंबर इस टीम में होना चाहिए। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि एनेक्सर 7 इंडिकेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम यानी कि GPFT टीम की कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, कौन कौन मेंबर उसमें होना चाहिए, यह पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। नंबर 1 पे देखिए सरपंच यानी कि प्रधान, ये होंगे चेयरपर्सन। नंबर 2 पे है GP सेक्रेटरी यानी कि ग्राम पंचायत सचिव। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स ऑफ द GP यानी कि ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड संसद मेंबर्स है यानी कि वार्ड मेंबर्स है, वो सभी वार्ड मेंबर्स इस टीम के अंतर्गत होंगे। 4 नंबर पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ GP यानी कि मान लीजिए अभी जो वार्ड मेंबर्स हैं पंचायत के, इनसे पहले का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था GP का, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस टीम के हिस्सा होंगे। 5 नंबर पे आप देख सकते हैं कि देखिए अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द GP यानी कि स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। तो सरपंच और GP सेक्रेटरी के अलावा जो भी पंचायत के स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी इस टीम के हिस्सा होंगे। 6 नंबर पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ लाइन डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग एट द GP लेवल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृषि प्रयुक्ति सहायक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा, हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स एंड MGNREGA यानी कि मनरेगा के वर्कर्स इस टीम के हिस्सा होंगे। 7 नंबर पे अभी आप देख सकते हैं कि सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट फंक्शनरीज ऑफ द GP यानी कि आपके ग्राम पंचायत इलाके में कोई भी अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर रिटायर्ड पर्सन है, तो वो भी इस टीम के अंतर्गत होंगे। 8 नंबर पे देख सकते हैं कि एडुकेशन एक्सपर्ट और टीचर्स, तो टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं और महत्वपूर्ण भाग है इस टीम के, तो टीचर्स को इस टीम के हिस्सा ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद 9 नंबर पे आप देख सकते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑफ स्वच्छ भारत एंड आशा हेल्थ वर्कर्स यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन में काम करते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स है या फिर आशा हेल्थ वर्कर्स है या फिर वेक्टर कंट्रोल टीम के हिस्सा हैं, वो भी इस टीम के पार्ट ज़रूर होंगे। इसके बाद 10 नंबर पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी लीडर्स और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि कोई भी पिछड़े हुए जाति का कोई भी अगर नेता है या फिर प्रमुख है, तो वो इस टीम के ज़रूर हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 11 नंबर पे ग्राम रोजगार सहायक यानी कि GRS, तो ये तो ग्राम पंचायत के एम्प्लॉय है, तो ये अवश्य इस टीम के हिस्सा होंगे। 12 नंबर पे आप देख सकते हैं कि एल्डरली सिटीजन्स ऑफ GP यानी कि ग्राम पंचायत इलाके के जो सीनियर सिटीजन्स है, तो वो इस टीम के ज़रूर हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि वो गांव के पूरे हिस्ट्री जानते हैं, क्या क्या हालत से ग्राम पंचायत को गुजरना पड़ा है, तो उनका अनुभव इस टीम के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बाद 13 नंबर पे देख सकते हैं कि SHG
और जीपी लेवल फेडरेशन ऑफिस बियरर्स यानी कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि महिला ग्रुप होते हैं, आजकल तो मेल एसएचजी ग्रुप भी होते हैं, तो वही महिला या फिर मेल एसएचजी ग्रुप भी इस टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे। इसके बाद 14 नंबर पे देखिए वॉलंटियर्स फ्रॉम यूथ स्टूडेंट्स एनएसएस एनसीसी यानी कि युवाओं को भी इस टीम में ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि अनुभव और युवाओं का जोश इन्हीं से ही एक अच्छा और बैलेंस प्लान बन सकता है। 15 नंबर पे देखिए एनजीओस वर्किंग इन लोकल एरियाज यानी कि आपके ग्राम पंचायत इलाके में जो एनजीओ काम करते हैं उनको भी इस टीम में ज़रूर लेना होगा। 16 नंबर पे देखिए सीएसआर रिप्रेजेंटेटिव, सीएसआर रिप्रेजेंटेटिव मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जो सोशल और इन्वायरमेंटल दोनों तरफ समानताएँ देख सकते हैं, दोनों को बैलेंस कर सके, ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति इस टीम के अंदर ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद एकदम 17 नंबर पे देखिए सिटीजन्स ऑफ ग्राम पंचायत वर्किंग लिविंग इन द कंट्री और आउटसाइड मतलब कि ग्राम पंचायत के जो आम नागरिक हैं वो इस टीम में ज़रूर होने चाहिए, सभी मीटिंग्स में उनको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए ही चाहिए क्योंकि सिटीजन्स के अलावा उनको छोड़ के कोई भी प्लान नहीं बन सकता है, प्लान बनता ही आम नागरिकों के फ़ायदे के लिए ही प्लान बनता है, तो उनको इस टीम में ज़रूर हिस्सा कर सकते हैं। इसके बाद एकदम आखिर में देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड ब्लैक कलर में लिखा हुआ है द जीपी हैज़ फ्रीडम टू ऐड मोर कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी मतलब कि ग्राम पंचायत अगर चाहे तो और भी मेंबर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर उनके ग्राम पंचायत इलाके में ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो ज़रूर इस टीम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 17 मेंबर्स इस टीम में यानी कि जीपीएफटी टीम में ज़रूर होने चाहिए तभी सभी प्रकार से जीपीडीबी प्लान सफल हो पाएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीपीएफटी टीम का एक्चुअली टास्क क्या होता है, उनको क्या करना होता है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।